ऊर्जावान युवावान और तेजवान युवा का उम्र सीमा बीत गया, पढ़ते पढ़ते बाल जो है सफेद हो गए, क्या कुछ बोलिएगा, ये दुर्भाग्य है हम तमाम युवाओं के बढ़ाने का खींचने के लिए उसका अगर जो हाथ है तो अधिकारी और कर्मचारी है, और अधिकारी और कर्मचारी का जो लेकर के तैयारी करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की जो आशा है, हम लोगों की जो उम्मीद है, उसको सरकार चकनाचूर करके रख दी है, और आगे हम लोगों का अभी उम्र सीमा भी समाप्त होने के ये में है। नमस्कार, राज्य के गठन हुए 23 वर्ष हो चुके हैं, और इन 23 वर्षों में जेपीएससी का आयोजन मात्र 7 बार हुआ है। दुर्भाग्य है इन छात्रों के लिए और दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य के लिए, क्योंकि जहां 23 वर्ष हो चुके हैं झारखंड के अलग हुए, वहां सिर्फ 7 बार जेपीएससी का आयोजन हुआ है, 7 बार परीक्षा लिया गया है मात्र। और वहीं आप अन्य राज्यों में जाइए, सिविल सेवा की परीक्षाएं सबसे ज्यादा होती है, और जहां सबसे ज्यादा सिविल सेवा की परीक्षा होती है, वहां से डीसी, वहां से एसपी, वहां से एसडीएम, वहां से दरोगा, वहां से बड़े बड़े पदाधिकारी निकलते हैं। तो ये इन युवाओं का दुर्भाग्य है, झारखंड के युवाओं का दुर्भाग्य है कि हम झारखंड में हैं, और झारखंड की ये लचर पचर जो देरी का सिस्टम है, ये इन लोगों को भुगतना पड़ता है सालों साल। सबसे पहले क्या कहिएगा, 23 वर्ष हो चुका है झारखंड को अलग हुए, लेकिन अभी तक 7 बार एग्जाम कंडक्ट हुआ है मात्र, कितना अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार देख लीजिए, वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है, और हमारा राज्य देखिए कोई वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवा को कुछ पता ही नहीं क्या करना है। सरकार सिर्फ वादा पे वादा करती है कि आज नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब जेपीएससी का ही देख लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, बस वादे पे वादे किया जाता है, कैलेंडर तक जारी नहीं हो रहा है। 7 से 10वीं जेपीएससी रिजल्ट को प्रकाशित हुए, लेकिन 15 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। तो क्या बता सकते हैं, सरकार की क्या विफलता है हमारी? हमारे राज्य के युवाओं को दोष दिया जाता है कि झारखंड के जो लड़के हैं होनहार नहीं है। अरे होनहार कहाँ से रहेंगे, बड़ी बड़े एग्जाम से आप लीजिएगा नहीं तो आएगा कहाँ सामने, यूपी और बिहार के ही दिखेंगे आपको, एसपी डीसी दरोगा इनके जैसे होनहार छात्र का एग्जाम ही नहीं लेंगे, उनको वंचित रख देंगे उस मुकाम पे जाने के लिए, तो कहां से दिखेंगे आपको एसपी और डीसी, कहां से गिना जाएगा हमारे राज्य को दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पहले पायदान पे, जब हमारे इस होनहार युवा पटल पर आगे दृष्टि पर आएंगे नहीं तो कैसे बोला जाएगा, क्या वजह है? दीदी, आप लोग लगातार जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दुर्भाग्य है झारखंड में रह रही हैं, अभी तक 23 साल गठन हुए झारखंड के हुए में, और मात्र 7 बार जेपीएससी का आयोजन हुआ है, 7 बार, कितनी शर्मनाक वाली बात है, कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। कई ये तो बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि जेपीएससी सबसे बड़ी संस्था है, और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी जैसे सीओ बीडीओज हो गए, फिर हमारे वित्त विभाग हो गए, जैसे बड़े बड़े संस्था जो हमारा है वहाँ पे जाकर के अधिकारी बनते हैं, और यहाँ ऐसा नहीं है कि पोस्ट की कमी है, हमारा जो 264 प्रखंड है वहाँ पे देखते हैं कि जो सीओ बीडीओ है, सीओ का काम बीडीओ को, बीडीओ का काम सीओ को, ऐसा ही करना पड़ रहा है, यानी कि एक ही ऑफिसर पे अनेक कार्यों का बहुत ज़्यादा भार दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी की कमी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि वैकेंसी नहीं लाया जा रहा है और इन पोस्ट को नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि अगर पोस्ट नहीं भरता है तो फिर जो हमारा ये झारखंड है उनके विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी बन रहा है, क्योंकि जब तक अच्छे ऑफिसर्स नहीं होते हैं तब तक झारखंड विकास के रास्ते पे नहीं जा सकता है। तो हमारी तो यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारा जो 11वीं जेपीएससी है उसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा, झारखंड इतना बड़ा राज्य है, यहाँ के जो युवा है, जो प्रतिभा है झारखंड के युवाओं में, अब तक केवल 7 बार जेपीएससी कंडक्ट करी गई है, कितना दुर्भाग्य वाली बात है झारखंड के लिए। देखिए, ये पूरा झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है, और झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी होने पर हम लोग इतना गर्व करते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश से हम आते हैं, लेकिन वहीं झारखंड का मतलब आज तक 23 वर्ष हो गया है गठन होकर के, लेकिन झारखंड का जो जेपीएससी का एग्जाम है ये 7वीं बार ही अभी तक कंडक्ट करवाया गया है, तो बाकी जो अभी जो हुआ वो तो कभी कई बार जेपीएससी में मतलब पूरा क्लियर इसमें नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी नहीं है, कई बार हाईकोर्ट में जाके मामला फंस जाता है, तो कई रिजल्ट में विलंब होता है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ अभी तक उसमें विलंब होते रहा है, तो आगे चाहते हैं कि इसमें सही समय पर जो नियुक्तियां हैं उसको, उसकी प्रक्रिया को जारी किया जाए, और जो भी रिक्त पद हैं उनको, उन पदों को भरा जाए, ताकि यहाँ झारखंड के जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो अपना अवसर को अगर दिखाने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा, सरकार अगर अवसर ही नहीं देगी तो अपनी योग्यता को वो कहाँ दिखाएंगे। आज मैं खुद एक सपना लेकर के आई थी कि मैं रांची शहर में, कि मैं तैयारी करूँगी, पढ़ाई करूँगी, और झारखंड के प्रदेश, झारखंड प्रदेश में अपना सेवा देने के लिए ऑफिसर बन करके झारखंड प्रदेश के, झारखंड के किसी प्रखंड में बीडीओ बनूँ, सीओ बनूँ, इस तरह से एक होता है कि हम लोग भी सरकार से, इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि अविलंब इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है जेपीएससी की उसको आगे लाए। वो क्या बोलिएगा छात्र नेता, आप हमेशा छात्रों के हित में सोचते रहते हैं, वो चाहे 60-40 हो, चाहे अन्य तमाम जो है प्रक्रिया प्रकरण है, लगातार झारखंड राज्य में जो है सो जेपीएससी की देरी को लेकर के, जेपीएससी के इस जो मुहिम जो है, जो लोग नियुक्तियां निकालते हैं, जो जारी करते हैं, क्या वजह रहा है? और लोग ये भी बोलते हैं कि झारखंड के युवा ऊर्जावान नहीं है, झारखंड के युवा तेजवान नहीं है, झारखंड क्या यही वजह रहा है कि हमारा झारखंड अति पिछड़ा में गिना जाता है? जी बिल्कुल,
ऐसा नहीं है कि झारखंड के युवा तेजवान ऊर्जावान नहीं है। झारखंड का माटी, झारखंड के छात्र हमेशा से होनहार रहे हैं, लेकिन ये सरकार भूल चुकी है कि सरकार जो विपक्ष में थे तो जेपीएससी मामले पर सदन नहीं चलने दिया, और जब चुनाव आया तो चुनावी के समय का सबसे प्रमुख मुद्दा में से एक उसका जेपीएससी था, प्रमुख मुद्दा में से एक। और उन्होंने युवाओं को जेपीएससी को लेकर के भरोसा दिलाया और उन्होंने नारा दिया कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन जैसे ही सरकार में आए उसके बाद जेपीएससी जैसा संस्था को नज़रअंदाज कर दिया, और जेपीएससी जैसे संस्थान से बिना नियुक्ति किया बताइए कि जो 5 प्रमंडल का, 24 जिलों का, जो 45 अनुमंडल का, जो भी 606 थाना है, 263 ब्लॉक है, जो इस राज्य के अंदर 32,623 गाँव है, 4,402 पंचायत है, इसका संचालन आप नहीं कर सकते हैं। अगर उनका 10 रुपये का धोती साड़ी का योजना भी पहुंचाना है तो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से भी पहुंचाना है। तो एक एक व्यक्ति को, एक अधिकारी को 4-4 प्रभार देना मतलब करप्शन को बढ़ावा देना और किसी का हक को मारना। तो कहीं ना कहीं वादा करके ही सरकार धोखा दिया है। प्रत्येक साल 2 जेपीएससी का वादा लिखित रूप से मैनिफेस्टो का पेज नंबर 6 में उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक साल जेपीएससी होगा, जेपीएससी का कैलेंडर जारी होगा, लेकिन दुर्भाग्य 4 साल में 1 जेपीएससी मात्र, ओनली 1 जेपीएससी हुआ है। नाम दे दिया 3, 7वीं से 10वीं। महोदय, नाम 3 देने से नहीं होगा। लगातार 7 बार जो वैकेंसी आई उसमें भी आप उठा करके देख लीजिए, बार बार अड़चने आई थी उसमें, उनमें भी हम हिस्ट्री पढ़े हैं, हम देखे हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। तो लगातार 7 बार जो जेपीएससी का कंडक्ट हुआ एग्जाम, उसमें भी लगातार जो बोल सकते हैं कि गड़बड़ी देखा गया। क्या रीज़न है, कहाँ से छात्र हमारा जो आगे आएंगे, झारखंड कहाँ से आगे बढ़ेगा? रीज़न तो स्पष्ट है कि हम आप जेपीएससी कंडक्ट ही नहीं करा रहे हैं। क्या मुख्य रीज़न मान सकते हैं कि जेपीएससी कंडक्ट नहीं होना, तभी तो बोला जाता है कि झारखंड अति पिछड़ा में है? बिल्कुल, चूँकि अगर हम राज्य को विकास का अग्रसर, विकास के दौड़ में दौड़ाना, तो हर राज्य के सबका जैसे शरीर का मेरा हाथ है, इस हाथ के माध्यम से कोई चीज़ को खींचते हैं, तो ये राज्य जो एक शरीर रूपी अगर राज्य है तो इस राज्य अधिकारियों का नियुक्ति नहीं हो रहा है। प्रत्येक राज्य पे प्रीमियम सर्विस लागू है, डायरेक्ट एसडीओ एसडीएम बनते हैं, झारखंड राज्य में नहीं है, यह दुर्भाग्य है। यहाँ वीडियो सीओ बन के प्रमोशन में जाते हैं तो मैक्सिमम डीडीसी एसडीओ एसडीएम बनते हैं, डीडीसी बहुत रेयर ही। अगर एसडीओ एसडीएम डायरेक्ट बनेंगे तो डीडीसी डीसी तक जेपीएससी से जाएंगे, और जेपीएससी से जाएंगे अर्थात झारखंड के भावना को समझेंगे, झारखंड के महापुरुष को जानेंगे, झारखंड के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इसका डेमोग्राफी, इसका बायोग्राफी को जानेंगे, यहाँ के लोगों का भावना को समझेंगे। चूंकि बिना समझे आप जेपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत विस्तार है, जेपीएससी का सिलेबस में झारखंड के बारे, यहाँ का नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़, हर एक महापुरुष, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, झारखंड आंदोलन, झारखंड का संघर्ष, झारखंड की यहाँ की सरहुल, यहाँ की माघे, यहाँ की रीति रिवाज परंपरा, यहाँ के मादर ढोल, सबको जानना होगा, तभी आप जेपीएससी निकाल सकते हैं। अगर जेपीएससी ये जानने वाले लोग यहाँ डीसी बनेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से कनेक्ट वो अच्छा से कर पाएंगे, काम अच्छा से कर पाएंगे, तो छवि रंजन जैसा कल के दिन पे जो है कि ऐसा मामला सामने नहीं आएगा। इसलिए 10 दिनों के अंदर सरकार बताए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। अगर 10 दिन में सरकार नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता नहीं सकती है, तो हम युवा तैयार हैं, आगे संघर्ष करेंगे चरणबद्ध तरीके से, जो हमारा संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक अधिकार है। और 10 दिनों के बाद हम लोग इसका डिजिटली आंदोलन का ऐलान करेंगे, और ऐतिहासिक डिजिटली आंदोलन होगा, ट्विटर कैंपेन, छात्र एकजुटता चट्टान एकता का परिचय देंगे। उसके बाद सरकार की अगर सुखबुकाहट नहीं होगी, जेपीएससी सोए हुए रहेगा, तो आज ऐलान करते हैं, सड़क पे उतरेंगे हम लोग और ऐतिहासिक आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। बाद कभी कहते हैं कि खजाना खाली है, कभी कहते हैं कोरोना का काल आ गया, फिर कहेंगे कि चुनावी का साल आ गया। अरे डुमरी, अगर रामगढ़ सीट खाली होता है तो तुरंत जो है कि वहाँ उपचुनाव कराते हैं, डुमरी सीट खाली होता है तुरंत उपचुनाव कराते हैं, और जेपीएससी के अंतर्गत जो विभाग है, उस विभाग, तमाम विभागों में जो रिक्त पड़ी हुई है, उस विभाग में नियुक्ति नहीं हो रहा है, कौन कराएगा ये सब? अन्याय सिर्फ युवाओं के साथ, अरे धोखा दे रहे हैं छात्रों के साथ, और धोखा खाए हुए छात्र बहुत परेशान है, बहुत हताश है, बहुत निराश है। और यह एक छात्र जो जेपीएससी के छात्र जो इस राज्य को विकास की गति में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, दीपक बन करके प्रकाश देना चाहते हैं, बात करके उस दीपक को आप मसाल बनाने का गलती मत करिए, नहीं तो वह मसाल बन करके आग बन के फिर जलेंगे, और जलेंगे तो कहीं ना कहीं 2024 में ये सरकार भस्म हो जाएगा। चलिए, मैं एक चीज़ और अपील करूंगा कि आप बार बार अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि झारखंड अति पिछड़ा राज्य है। सोचे कभी कि झारखंड अति पिछड़ा राज्य कैसे हुआ, क्यों बन पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार, जो सिस्टम को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, जो राज्य को चलाते हैं, वो पढ़े लिखे सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, और यही वजह है कि हमारा झारखंड अति पिछड़ा में गिना जाता है। कंडक्ट कराइए ना जेपीएससी, एक साल में 2 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, जितना बार, जो कम से कम जो आप प्रोटोकॉल जो आप अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं वो तो पूरा करिए। महोदय जी, क्यों खेल रहे हैं इनके साथ? बस मैं आप आग्रह करूँगा कि झारखंड बढ़ सकता है एक शर्त पर,
जब तक यहाँ के लोगों को जेपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा, झारखंड तभी बढ़ सकता है, झारखंड का गांव तभी आगे आ सकता है और झारखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य में तभी गिनती आएगा जब यहाँ के लोग पढ़ करके यहाँ के पद पर कार्य करेंगे, तब झारखंड आगे आने का काम होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके साथ दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या दुर्भाग्य है झारखंड के लिए 23 वर्षों में केवल 7 बार जेपीएससी कंडक्ट होना? क्या दुर्भाग्य है इन छात्रों के जीवन के साथ जो खेला जा रहा है? आप जवाब देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं जेपीएससी को लेकर के, अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।